वो कहते हैं ना, ना कोई जिंदा बात होगा ना कोई मुर्दा बात होगा, जब जागेगी जनता खुद ही इंकलाब होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर 2022 आज पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक भारत का राष्ट्रीय भाषा है जो भारत में अधिकतर क्षेत्र में बोला जाता है। आज ऐसे ही तो महत्वपूर्ण दिन है और ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आज इससे भी ऐतिहासिक दिन झारखंड वासियों के लिए हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। झारखंड में चल रहे बहुत दिनों से 1932 के खतियान का आंदोलन, आज झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने पूर्ण रूप से 1932 खतियान लागू कर दिया गया है। 1932 का खतियान झारखंडियों का पहचान था। यह लहर में तब आया जब झारखंड के धनबाद और बोकारो जिलों में जब भोजपुरी और मगही और अंगिका भाषा का बहिष्कार किया जा रहा था, तब उसी समय इसको हटाए जाने के बाद जयराम महतो ने 1932 खतियान का मांग किया। जयराम महतो मानटान से बिलोंग करने वाले एक साधारण व्यक्ति है जो PhD कर रहे हैं वर्तमान में धनबाद जिले से। वह 1932 का खतियान लोगों को जागृत किया और उन्होंने बताया कि झारखंड में 1932 का खतियान बहुत ही आवश्यक है और यह संवैधानिक मांग है, जो पूरे झारखंड में 2400 जिलों में लोगों को जगाकर बताया कि 1932 खतियान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और यह हमारा संवैधानिक मांग है, जो सरकार को मानना पड़ा और सरकार को 1932 का खतियान लागू करना पड़ा, जो 14 सितंबर 2022 को लागू कर दिया गया। आप में से बहुत कोई होंगे जो 1932 खतियान के बारे में नहीं पता होगा। चलिए आज हम आपको डिटेल से बताते हैं कि 1932 खतियान है क्या। सबसे पहले समझिए 1932, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं ओनली 32 या केवल 1932। देखिए, जब बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 के, ये बात है बहुत पहले की, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। उस समय गैर आदिवासियों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र दिया गया था, जो झारखंड में आदिवासियों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र दिया गया, जिसमें से गैर आदिवासियों का जमीन ना तो कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। अंग्रेजों ने यहाँ के गैर आदिवासियों के लिए एक CNT कानून बनाया था। इस कानून के तहत कोई लोग यहाँ के जमीन को ना खरीद सकता है ना ही कोई बेच सकता है। इसके बाद हुआ क्या, 1938 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड राज्य को एक अलग राज्य मांगना शुरू किया, और 1938 में सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड का अलग राज्य का मांग किया। तो 1938 में मांग किया, लेकिन बहुत ही मशक्कत के बाद झारखंड बिहार राज्य से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। अलग होने के बाद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने श्री बाबूलाल मरांडी, लेकिन वो भी तय नहीं कर पाए कि झारखंड का स्थानीयता कौन है। जैसे हर राज्य का स्थानीयता होता है, बिहार में आप रहते हैं तो बिहार का कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो बिहार के लिए बिहारी एक अलग स्थानीयता है, उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग स्थानीयता है, महाराष्ट्र के लिए मराठी है, गुजरात के लिए गुजराती है, बंगाल के लिए बंगाली है, उसके बाद गुजराती के लिए गुजराती है। इस तरह से झारखंड के लिए झारखंडी भी तो होना आवश्यक है, इसके लिए कोई आइडेंटिफिकेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का स्थानीयता लागू नहीं हुआ था। जब पूर्ण बहुमत सरकार रघुवर दास बने BJP के, तो उस समय 1985 के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति लागू किया गया, जो सरासख्त एकदम गलत था। रघुवर सरकार का कहना था कि जो झारखंड में 1985 के बाद से यहाँ रह रहे हैं तो वह झारखंड का निवासी हो जाएगा, और जो इससे पहले रह रहे हैं उसका तो टेंशन नहीं है, 1985 के बाद जो रह रहे हैं वो भी झारखंड का निवासी होगा। लेकिन यहाँ के लोगों का कुछ और ही मांगना था। जो CNT कानून आप लोग को पीछे हम बताएं कि 1932 का खतियान गैर आदिवासियों के लिए बनाया गया था, वह मांग बहुत ही बड़ा हो चुका था और बहुत ही विकराल रूप धर चुका था, और इस प्रकार सरकार को बेबस होकर आज 1932 खतियान लागू करना पड़ा। हेमंत सरकार ने पहले ही कहा था 2019 के चुनाव में, उन्होंने कहा था जब हम जीत जाएंगे तो 1932 खतियान को हम वापस ले आएंगे, तो वह अपने पूर्ण रूप से अपने वादा को निभा दिए हैं। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पूर्ण रूप से झारखंड में 1932 खतियान लागू कर दिया गया। देखिए, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। 1932 खतियान लागू करने से बहुत सारे लोग, बाहरी लोग झारखंड में आकर घुस के बैठे हैं, जो जमीन खरीद लिए हैं एक दो एकड़ का, एक दो डिसमिल का, और यहाँ कर बैठ चुके हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वह तो पूर्ण रूप से यहाँ झारखंडी है नहीं, उन लोग को अब भागना पड़ेगा। कहा जाता है कि झारखंड और धनबाद और बोकारो में लगभग 60% बाहरी लोग बाहरी चले जाएंगे, वो तो या तो बिहारी होंगे, बंगाली होंगे, गुजराती होंगे, मराठी होंगे, कहीं के भी हो सकते हैं, 50 से 60% लोग सब बाहर हो जाएंगे। 1932 के खतियान झारखंडियों के लिए झारखंडियों का पहचान था। वो कहते हैं ना कोई जिंदा बात होगा ना कोई मुर्दा बात होगा, जब जागेगी जनता
खुद ही इंकलाब होगा। आपका 1932 के खतियान के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और झारखंड का हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जोहार झारखंड।